वेलकम बैक फ्रेंड्स, प्रतीक हियर फ्रॉम जी के मोटर्स कार एसेसरीज वाशी नवी मुंबई। बैक टू बैक आप लोग के सामने अर्टिगास लेके आता रहा हूँ, बट इस बार ये मेरे टाइप का मॉडिफिकेशन है कि किस तरह से मॉडिफिकेशन होना चाहिए। एक्सटर्नली हमने सिंपल सोबर डिसेंट लगा हुआ है, ना कुछ ओवर किया हुआ है, ना सिंपल सोबर, जिस तरह से एक लुक आना चाहिए गाड़ी पे उसी कंसेप्ट में लगा हुआ है। और इंटीरियर में काफ़ी अच्छा अपने लिए खर्चा, जिस तरह से मैं हर बार बोलता हूँ, खर्चा कर रहे हो तो इंटीरियर में कीजिए, क्योंकि वो खुद पे है। बाहर वालों के लिए आप शो वगैरह करते हो बट वो दूसरों के लिए रहता है, खर्चा कर रहे हो खुद के लिए कीजिए। आज का मॉडिफिकेशन में विद प्राइजेस है, एंड तक ज़रूर बने रहना। हेडलैम्प में डीएलएल्स लगाई, सीक्वेंशियल वाली बाहर से लगाई हुई है, स्टिकॉन वाली, ना आपकी हेडलाइट खोली है ना कुछ किया हुआ है, आपकी ओरिजिनलिटी पे कोई भी इशू नहीं आता है। फॉर एग्जांपल आप हेडलाइट अपनी ओपन करके अंदर से लगाते हो और अगर डीआरएल्स में कुछ भी इश्यू आता है, वंस अगेन आपको हेडलाइट खोल के अपनी डीआरएल निकालनी पड़ती है। उसके कारण कार्स वगैरह में फॉग वगैरह हेडलैम्प्स में जम जाता है, वो कंसेप्ट मैं नहीं करता हूँ। 2500 रुपीस की डीआरएल्स पड़ती है सीक्वेंशियल वाली, फॉग लैम्प की डीआरएल्स भी लगाई हुई है 3500 रुपीस विद द मैट्रिक्स सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का भी मोड दिखाना चाहूँगा। सीक्वेंशियल आज तक जो डीआरएल्स आप बहुत बार देखी है ये वाली भी, बट वो मैट्रिक्स होती है बट सीक्वेंस में नहीं होती है। आप एक सीक्वेंशियल का कंसेप्ट देख सकते हो, जिस तरह से ऊपर आइस क्यूब है उसी में नीचे भी आइस क्यूब के कंसेप्ट में है। स्टार्टिंग विद द इंटीरियर लुक ऑफ द कार, स्टाइलिंग किट लगाई है 10 पीसेस वाली इन द ZXi स्टाइल। ZXi की मारुति की ओरिजिनल नहीं है बट स्टाइल वही कंसेप्ट में किया है इन द मैट कंसेप्ट सेट ऑफ 10 पीसेस 7500 रुपए के रेंज के पड़ते हैं। सीट कवर्स कस्टमाइज ब्रांड के इन द वैनिला सिंगल टोन में लगाए हैं ऑन कस्टमर डिमांड, ऑर्डर लिया गया था इस सीट कवर्स का। बाकी आप हमारे वैनिला विद ब्लैक तो आपने काफ़ी देखे थे बट सर को सिंपल सोबर डिसेंट एक ही टोन में चाहिए था, तो वही कंसेप्ट में लगाए हैं अल्ट्रा कम्फर्ट विद द 5 ईयर्स वारंटी के साथ। एक कंसेप्ट आप देख सकते हो किस तरह से जब आप इंटीरियर कलर्स भी लगाते हो तो किस तरह से एक कंसेप्ट आ रहा है। स्टीयरिंग रैप किया हुआ है इन अ ड्यूअल टोन ब्लैक विद द वैनिला स्टिचिंग। आज तक आपने जो भी स्टीयरिंग रैप्स देखे थे स्टिचिंग हम ब्लैक करते थे बट एक वैनिला स्टिचिंग के साथ एक आप गेटअप देख सकते हो किस तरह से एक स्पोर्ट्स लुक जो आना चाहिए है। कंसेप्ट सर का वैनिला रखने का था, इसी कंसेप्ट में हमने ऑन कस्टमर डिमांड यही चीज़ की हुई है। साथ ही में एम्बियंस लाइटिंग लगाई हुई है विद द 18 प्रोजेक्टर्स। आज तक आप 14 वाले देखते आ रहे थे, 4 ऑन द डोर्स, 4 ऑन द बॉटल होल्डर्स एंड 4 ये जो चीज़ हमने लगाई है एक्स्ट्रा लगाई है डोर लैच के ऊपर, साथ ही में फुटरेस्ट पे और 2 डैशबोर्ड पे हमने यूज़ की हुई है। एक आप कंसेप्ट देख सकते हो मोबाइल ऐप कंट्रोल कलर चेंजिंग के साथ, जो कलर आप रखना चाहो वो कंसेप्ट में होगा। जिस तरह से ब्लू स्कफ प्लेट लगाई है तो ब्लू एम्बियंस लाइट किस तरह से एक कार पे लुक दे रही है। BMW ऑडीज का कंसेप्ट है बट काफ़ी अच्छा एक लुक आता है, मैं यही रिकमेंड करूँगा, ये खुद पे खर्चा है ये चीज़ ज़रूर लगाइए। साथ ही में फ्रेंड्स हमने डैम्पिंग की हुई है, डैम्पिंग भी हम बताना चाहूँगा, इनर आउटर बोर्ड डैम्पिंग की हुई है। नॉर्मल पतरा किस तरह से आपको आवाज़ देता है और डैम्पिंग किस तरह से आपको एक इफ़ेक्ट देता है ये एक फील है। डैम्पिंग ज़रूर कराइए, मैं भी रिकमेंड करता हूँ, बट जब आप अपने कार के कंपोनेंट स्पीकर्स अपग्रेड करते हो तो ही ये चीज़ बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि बाहर की नॉइजेस एलिमिनेट होती है, यस 10% तक ज़रूर एलिमिनेट होती है बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने डैम्पिंग अच्छे से इनर आउटर करा ली है तो आपकी बाहर की नॉइजेस बिल्कुल भी नहीं आएगी, वो कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है क्योंकि आपकी जो विंडोज़ है वो साउंड प्रूफ नहीं है। तो यही रिकमेंड करूँगा, डैम्पिंग तब कराइए जो भी हमने आगे आप देख सकते हो कंपोनेंट्स लगाए हैं, वाइप के स्पीकर्स लगाए हैं। म्यूज़िक सिस्टम में आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, हमने जब ये चीज़ अपग्रेड की है तो एक बेस इफेक्ट के लिए जो बेस आना चाहिए है उस कारण हमने डैम्पिंग की हुई है। उसका भी एक रीज़न है, मारुति की कार्स आप देखोगे भले वो वैगनार हो या अर्टिगा हो उनका बिल्डअप क्वालिटी इतना खास नहीं है जितना ह्युंडई की कार्स का आता है। वही सजेस्ट करूँगा उन लोगों को, डैम्पिंग तभी कीजिए और कर भी रहे हो तो इनर आउटर बोथ कीजिए, खाली आउटर करके कोई सेंस नहीं है, कर रहे हो तो अंदर बाहर दोनों कीजिए। क्रॉसलिंक व्हील्स कंपनी का एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है हमने इस कार में, जिस तरह हर वीडियो में बोलता हूँ 17999 इसकी MRP है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 13000 रुपये में फ्रेम के साथ फिटमेंट के साथ ये चीज़ पड़ती है।
एक्सपेंसिव नहीं है, सोनी वगैरह का आप लेते हो 18-20 हज़ार रुपये से चालू है, जिस तरह से आपको उसमें भी वायर लगानी पड़ती है, वायरलेस है, फुल्ली एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह का फीचर्स नहीं है, लेकिन फुल्ली एंड्रॉयड है तो वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हॉटस्पॉट पे यूट्यूब नेविगेशन वगैरह जैसे कि इनबिल्ट है उसके साथ आता है। सेकेंड थिंग, होम सर्विस के साथ आता है, 13,000 रुपये में आपको ऑल ओवर इंडिया, अगर क्रॉसनिंग व्हील्स में कुछ भी इश्यू आता है, ऑल ओवर इंडिया डोर स्टेप पे सर्विस है। ऐसा भी नहीं कि आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है कोई स्पेसिफिक प्लेस पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑल ओवर इंडिया आपको होम सर्विस के साथ आता है। स्टीयरिंग व्हील्स के साथ कंपेटेबल है, जिस तरह से दिखाना चाहूँगा, प्लस माइनस म्यूट, ब्लूटूथ आपको कनेक्ट करना तो डायरेक्टली ब्लूटूथ के उस पे ऑप्शन पे चले जाएगा, गूगल मैप आपको कनेक्ट करना तो डायरेक्टली गूगल मैप चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको घड़ी घड़ी यही से इसको ऑपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन ऑफ फंक्शन के साथ आता है, जिस तरह से अगर आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हो, वीडियो ऑन है और आपको खाली ऑडियो सुनना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ड्राइविंग के टाइम, तो ये स्क्रीन ऑफ के ऑप्शन के साथ है, किधर भी आप पूरे स्क्रीन पर टच करोगे ऑन वन टच वापस से आपके सामने स्क्रीन डिस्प्ले वापस से आ जाएगी। एक टच क्वालिटी आप भी आप देख सकते हो किस तरह से है, हाईफाई ऑप्शन के साथ है। हाईफाई ऑप्शन आपकी कार में जो एग्जिस्टिंग ओरिजिनल मारुति के स्पीकर्स लग के आते हैं या हम अपग्रेड करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा एक बूस्टअप देते हैं, एम्पलीफायर का काम करते हैं, तो यही चीज़ रिकमेंड करूँगा। बाकी आप एंड्रॉयड प्लेयर्स देख रहे रहोगे, जैसे कि हम भी ऑटोटेक बेचते हैं, उसमें हाईफाई ऑप्शन का फीचर नहीं है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा क्रॉसलिंक व्हील्स लगाइए विद द डोर स्टेप सर्विस एंड ब्रांडेड। आपको कुछ भी इशू आता है आफ्टर वन ईयर ऑल्सो, अगर कोई इशू आता है तो सर्विस आपको ज़रूर मिलता है, डोर स्टेप तक ही मिलेगा। तो जा रहे हो तो ब्रांड लगाइए, बाकी आपको और भी मार्केट में बहुत सारे एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम मिलेंगे, बट ये जो चीज़ है ये काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है और डोर स्टेप सर्विस के साथ है। स्क्रीन ऑफ ऑप्शन, कार एम्पलीफायर आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, हाईफाई ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी है इसमें कि जो दूसरे एंड्रॉयड्स में नहीं हो, और सिर्फ 13,000 रुपये में आपको ये चीज़ पड़ती है। साथ ही में दोस्तों वाइप के हमने कंपोनेंट्स लगाए हैं फ्रंट में, ट्विटर्स की प्लेसमेंट दिखाना चाहूँगा विद द 2 ईयर्स गारंटी। साथ ही में रियर में वाइप के कोएक्सियल्स लगाए हुए, वाइप के कंपोनेंट्स आपको 7,200 रुपीज़ के रेंज के पड़ते हैं एंड वाइप के कोएक्सियल्स आपको 4,600 पर पेयर के रेंज के पड़ते हैं विद द 2 ईयर्स गारंटी ब्रिटिश ऑडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, कार के फाइनल लुक पे आ चुके हैं। बताना चाहूँगा, क्लाइंट सुशील सर सेकेंड टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं, ये इनकी दूसरी गाड़ी है, पहले फ्रेंड की कार के साथ आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर का वंस अगेन एक वेलकम करना चाहूँगा, लिंक भी मैं ज़रूर डालूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, आपको लिंक भी मिलेगा जो जिनका इनका दूसरा पुराना जो काम किया हुआ है उनका भी वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा। सर आप बताइए व्यूअर्स को वंस अगेन किस तरह से हमारा काम लगा, किस तरह से हमारी जो प्राइजेस है, जो प्राइसिंग क्वालिटी वगैरह, किस तरह से वर्कमैनशिप काम, तो प्रतीक भाई का एकदम सॉलिड है। प्राइसिंग इस मार्केट में सबसे लोएस्ट है, तभी कोई कस्टमर सेकंड टाइम आता है। लास्ट टाइम मैंने इनके वीडियो पे एक नंबर काट किया था, इसलिए क्योंकि मेरे को एक महीना कंटिन्यू तो गाड़ी देखा मैंने, उसमें एक भी पार्ट से कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, तो इस बार उसका 1 पॉइंट इनको एडिशनल मिलेगा। पिछली बार सर ने 9 out of 10 दिया था, इस बार सर बोले 10 out of 10, इस बार 11 दूंगा ना मैं। जी जी जी, क्योंकि उसका एक महीना हो गया रन करके, पूरा गाड़ी एकदम प्रॉपर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गाड़ी एकदम मैंने मन का बनाया है, मैंने पूरा बीच के अंदर इंटीरियर रखा था, सब जैसा मैंने कहा वैसा सब पार्ट्स ढूंढ ढंड के ला के एकदम मुझे एकदम खुश कर दिया है। इनसे भी रिव्यू लेना चाहेंगे, हमारे वीडियोस ये भी देखते हैं, इनसे भी रिव्यू लेना चाहेंगे। आप बताइए किस तरह से, कैसा लगा? अच्छा लगा। सब बढ़िया, जैसे वीडियोस में देखते थे उस तरीके से आपको मिला नहीं मिला? मिला। सब बढ़िया, ऑल गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम से भी रिव्यू लेना चाहूँगा, मैम आप बताइए व्यूअर्स को? बहुत अच्छा लगा, बेस्ट था ना मैम? सो फ्रेंड्स, यही था कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिस तरह से जीके मोटर्स के लिए। प्राइजेस तो लोएस्ट, सब कोई भी लोएस्ट प्राइस दे सकता है, बट जो फिटमेंट हम करते हैं उसके लिए क्लाइंट आते हैं। सेकेंड टाइम आ रहे आप लोग के सामने वीडियो में भी, आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हो, MH10 सांगली की कार थी, उसमें भी सेम कंसेप्ट 90% किया हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ न्यू के साथ आया हूँ और सर के हिसाब से किया है। ऐसा नहीं कि सर आप आइए मैं बताता हूँ कैसे करना है, वैसा नहीं है। आपको अगर अपने हिसाब से कार बनानी है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके हिसाब से बना के दूंगा। जिस तरह से पूछना चाहूँगा सर से, ऑर्डर देके सीट कवर्स 1 वीक पहले तैयार किए सर, बराबर है कि नहीं? मैंने अपने कुछ कस्टमाइज के चीज़ें कलर सब ऑर्डर देके रखे थे, इन्होंने जैसा 3 से 4 दिन बोला था, तीसरे दिन ही फ़ोन आ गया था कि आपका रेडी है, आप जैसे वीकेंड पे, मैंने वीकेंड बोला था तो जैसे वीकेंड पे पॉसिबल है आ जाओ सब। एंड मैंने और एक फ्रेंड को रिकमेंड कर दिया है, इनका नंबर शेयर कर दिया, आपको कॉल आ जाएगा उसका। थैंक यू सर, थैंक यू। तीसरी बार आ रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ है इनमें।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। मेरी शॉप लोकेटेड है वाशी सेक्टर 17 नेक्स्ट टू गोल्डन पंजाब होटल। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना। कमेंट करके ज़रूर बताना काम किस तरह से लगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।